एवरी वन दिसाने का आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे कि यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछता है जहाँ पे किसी चीज़ को आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पे इसको करने की हम कोशिश करेंगे इसका एनालिसिस बाकी आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर बिकॉज आई फील जो क्या वी कैन मेक अफरेंस अब आप सब ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो आया उसको पढ़ा होगा डिटेल में पढ़ा होगा कि इंडिया का क्या रैंक है तो रैंक क्या आया हमारा 107 जीरो सेवन आउट ऑफ वन कंट्रीज तो काफ़ी लो रैंक हमने किया मतलब बहुत ज़्यादा हंगर परसिस्टेंस है इंडिया में इंडिया को टू में इंडिया का रैंक देखेंगे वन जीरो वन था आउट ऑफ वन हंड्रेड सिक्सटीन कंट्रीज तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में वन जीरो सेवन है आउट ऑफ वन ट्वेंटी वन कंट्रीज हमारा ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन जो कि हमको सीरियस कैटेगरी में रखता है हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की एक मेजर प्रपोर्शन uh, जो हमारे पॉपुलेशन का है एक इम्पॉर्टेंट प्रोपोर्शन वॉलबल कम्युनिटीज इन ऑल वो आपकी हंगर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इंडिया में बहुत लोग अब इंडिया का रैंक काफी देशों से लो भी है ये देश कौन से हैं जो हमसे ऊपर हैं श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे नेबरिंग कंट्रीज इंडेक्स में इंडिया का रैंक इनसे भी कम है ग्लोबली सेवेंटीन कंट्रीज चाइना टर्की कुवैत बेलारूस लताविया लुथानिया क्रोशिया एस्टोनिया ये टॉप स्पॉट जो है 2022 के इंडेक्स में इनका है सो so, यहाँ पे हमको सोचने की बात ये है कि अगर इंडिया सीरीज कैटेगरी में आता है हंगर मीटर में तो इंडिया का स्कोर कितना है ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन और ये हमारा रैंक है हम इसको किस तरीके से सुधार सकते हैं तो यहाँ पे रैंक की देख लीजिए आप कि ये लो मॉडरेट और सीरियस कैटेगरीज हैं थर्टी फाइव से ऊपर हो तो अलार्मिंग और फिफ्टी के से ज़्यादा हो तो इट इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग वन हंड्रेड टू में रवानदा नाइजीरिया यथोपिया कॉन्गो सुडान और वन हंड्रेड सेवन पे यू कैन सी हेयर वी लाई तो यहाँ पे बहुत सोचने की बात है क्यों सोचने की बात है क्योंकि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि हमारे यहाँ पे बहुत से इस तरह की स्कीम्स इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि लोगों को खाने में उनकी हंगर मिटाने में सपोर्ट करते हैं तो इस तरह के आपने बीच में ये देखे होंगे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कि हम पे एलिगेशन लगा है कि हमारा 107 रैंक है 121 कंट्रीज में बट ये हमारी एक अच्छी बात है कि इंडिया लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम वर्ल्ड में चला रहा है इतना कोई देश नहीं चला रहा फिर अगर हम अपने नेबर्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश से पीछे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि 80 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी 80 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज जो इसके लाभार्थी हैं अस्सी करोड़ लोग वो पी गरीब कल्याण अन्य योजना में कवर होते हैं तो हमारा रैंक इतना नीचे कैसे दिस इज एक्चुअली फूड फॉर थॉट कि अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं हमारा रैंक कुछ और कह रहा है तो यूजली कई बार इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है कि रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया लाती है वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस लाती है और वो बायस्ड हैं ऐसा भी हो सकता है बट स्टिल हमको और लूप होल्स अपने घर में ढूंढने की ज़रूरत है तो दिस इज़ यहाँ पे जब आप इस तरह का आंसर लिखें पहले तो इंडिया की तारीफ करें कि यस हमने बहुत काम किया है हंगर में हंगर इंडेक्स में अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए या कह लीजिए लोगों को हंगर से बाहर निकालने के लिए तो ये दोनों एग्जाम्पल्स वहाँ पे आप दे सकते हैं कि हम लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहे हैं और एट्टी करोड़ हमारे जो लाभार्थी हैं वो पी गरीब कल्याण अन्न योजना में कवर होते हैं ना लुक एट दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट इसकी कौन पब्लिश करता है ये आपके प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पब्लिश होती है रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है हेल्थ uh, ये लोग इसको पब्लिश करते हैं सो इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी फिर हर बार अक्टूबर में इसको पब्लिश किया जाता है uh, 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का फिफ्टींथ एडिशन जो है वो आया था इसमें इसका पर्पस क्या है इस इंडेक्स को क्यों लाया जाता है कि अच्छे से हम मेजर कर पाए ट्रैक कर पाए कि हंगर ग्लोबली क्या सीनारियो है रीजनली और कंट्री वाइज क्या सीनारियो है क्योंकि अगर हम क्या, हमारे पास डेटा होगा हमको पता रहेगा तो ही हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे उन पे पॉलिसीज़ बना पाएंगे तो पैरामीटर्स क्या हैं किस तरीके से इसका स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है देखिए ये चार टर्म्स हैं जो समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वर्ड यूज़ होता है अंडर नरिशमेंट चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड मोर्टिलिटी तो इनका क्या क्या मतलब है under -nourishment का मतलब है है कि उसको proper nourishment, portion जो है, वो नहीं मिल रहा जितनी कैलोरीज उसको लेनी चाहिए वो एक इंसान को या एक बच्चे को नहीं मिल रही दैट मीनस वो अंडर नरिश्ड है क्या बोलेंगे उसको अंडर नरिश्ड चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब है ये वो बच्चे जो पांच साल की उम्र से नीचे हैं वेस्टेड हैं। वेस्टेड का मतलब उनका लो वेट है अगर वेट देखेंगे उनके हाइट के हिसाब से कि जितनी हाइट के हिसाब से उनका वेट होना चाहिए वो उतना नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे वेस्टेड ठीक है सो ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन दिखाता है कि बहुत ज्यादा अंडर न्यूट्रिशन है स्टंटिंग क्या है अगेन पांच साल से उम्र से कम बच्चे जो उसके अंदर आते हैं जिनकी लो हाइट है हाइट स्टंट मतलब छोटा रह जाना उनकी हाइट कम है उनके एज के हिसाब से ठीक है तो वो स्टंटिंग हो गया और मोर्टिलिटी हो गया पाँच साल के नीचे बच्चे जिनमें आपको बहुत एडुकेट न्यूट्रिशन पोशन भी नहीं है अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है तो चाइल्ड मॉर्टिलिटी द मोर्टिलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ फाइव जिनकी डेथ हो रही है वो बच्चे ठीक है किस वजह से न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से या गंदे इन्वायरमेंट में रहने की वजह से तो यूजुअली इन दो टर्म्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज आता है वेस्टिंग क्या है लो वेट हाइट के हिसाब से वेट कम होना स्टंटिंग क्या है हाइट कम होना एज के हिसाब से तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए नाउ जी एच आई ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है किस तरीके से ये इसको मेजर करते हैं तो इसमें ये तीन चीजें लेते हैं एक हो गया आपका फूड सप्लाई देखते हैं इनएडिकुएट अंडर नरिशमेंट चाइल्ड मोटलिटी देखते हैं और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन देखते हैं अब जो अंडर नरिशमेंट है ये एक लीड इंडिकेटर है इंटरनेशनल हंगर टारगेट्स के लिए जिसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी शामिल किया है इसमें फ़ूड सप्लाई को देखा जाता है पूरी पॉपुलेशन बच्चे अडल्ट दोनों देखे जाते हैं ठीक है चाइल्ड मोटलिटी क्या है डेथ डेथ एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस है किसी भी वजह से बच्चे की डेथ हो रही है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा वॉलरेबल हैं तो यहाँ पे वो चीज डेफिशिएंसीज क्या है मोर्टिलिटी रिस्क किन वजह से है ये सब देखा जाता है और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये चाइल्ड न्यूट्रिशन तो इसके दो इंडिकेटर्स आपको देखेंगे वेस्टिंग और स्टंटिंग तो ये कैलोरी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि, कि अगर वो खाना खा रहे हैं सोचो तीनों टाइम खाना मिल रहा है बट उसमें पोषण नहीं मिल रहा वो पौष्टिक खाना नहीं है कैलरीज नहीं मिल रही तो डाइट की क्वालिटी भी मैटर करती है वो यहाँ पे देखा जाता है इस तरह से आपका जी इंडेक्स पूरा जो जी इंडेक्स है वो बनता है नाउ इंडिया का फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ 1921 में उसका डेटा हमको दिखाता है कि जो बच्चे पांच साल से नीचे हैं उसमें से परसेंट स्टंटेड हैं, 19.3 परसेंट वेस्टेड है 32. पॉइंट वन परसेंट अंडर वेट हैं तो देखिए अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट को गलत भी बोलें तो ये तो हमारे देश का डेटा है जो हमको ये चीज़ें बता रहा है तो अब इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट्स को नहीं मानते हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं तो स्कीम्स की डिलीवरी में प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का जिन लोगों ने पॉलिसीज बनाई उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं इतनी अच्छी स्कीम्स लेके आए बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कमी रह गई तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी रह जाती है फंड्स के कारण कोई भी स्कीम आपको चलानी है तो फंड्स होने चाहिए तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर हमको क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो सेंट्रल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको हमें अच्छे से देखना होगा उनमें जो गैप्स हैं उनको फिल करना होगा सभी ये स्कीम्स अच्छे से डिलीवर हो पाएंगी फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सक्षम आंगनवाड़ी और प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम जो है हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन पोशन 2.0 स्कीम लाई जिसमें इंटीग्रेटेड आईसीडीएस स्कीम भी है और ये गर्ल्स प्रेग्नेंट वुमेन नर्सिंग मदर और जो बच्चे तीन साल से नीचे हैं उनके लिए स्कीम्स आई लेकिन अगर आप बजट देखेंगे इस स्कीम का फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी का बजट था ट्वेंटी करोड़ पूरे देश के लिए जो कि एक विच इज लेस देन वन परसेंट मोर देन एक्चुअल स्पेंड जितना एक्चुअल स्पेंड होता है उससे बहुत कम है तो ओवर द टू इयर्स आप देखेंगे कि वो एक परसेंट से भी कम इंक्रीज उस बजट में मिला है तो आप कहेंगे कि फंड्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं जितना मिलना चाहिए ये चीज़ हमने बाकी की फ्लैगशिप स्कीम्स में भी देखी पोषण वाला हो गया और जिसको पहले आप मिड डे मील स्कीम भी कहते थे तो बजट कितना था टेन करोड़ बस 21 परसेंट कम था जितना एक्सपेंडिचर इससे लास्ट साल में हुआ था आप कह है सकते हैं कि कोविड के कारण शायद हमने फंड्स को आगे पीछे भी लगाया था इसलिए इस एरिया में जो फंड्स हैं वो कम गए बट स्टिल आपको समझना होगा कि अगर आपको न्यूट्रिशन इम्प्रूव करनी है तो एटलीस्ट ये जो ट्वेंटी परसेंट वन परसेंट जितना गैप आ रहा है इतना गैप नहीं आना चाहिए चाहे और जितनी बड़ी मुसीबत हो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करनी है अगर आपको देश की तो आपको फंड्स देने पड़ेंगे फिर कैश ट्रांसफर्स की बात की कि ठीक है बहुत सारे प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट क्या कर रही है कैश ट्रांसफर कर रही है लेकिन वो कैश ट्रांसफर को लोग आगे कैसे यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है क्या उस कैश को न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है कई बार लोगों में सन्स और डॉटर्स में बहुत डिफरेंस भी करते हैं तो शायद बहुत पौष्टिक खाना बेटों को खिला रहे हैं बेटियों को नहीं खिला रहे जस्ट एन एंड कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें हमको देखनी है और इनको एड्रेस करना है तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा सिर्फ कैश ट्रांसफ़र से आपका न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है अगर हमको इम्प्रूव्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन चाहिए हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी चाहिए कैश ट्रांसफर विल हेल्प बट हाउ इट इज बींग पुट ऑन द प्लेट वो मैटर करता है तो कैसे ठीक कर सकते हैं वे हेड में आप इसको क्या बोलेंगे कि माल न्यूट्रिशन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कि वो अच्छी नहीं है पूरे देश में मेजर जगह पे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है अनसेफ सैनिटेशन प्रैक्टिस हैं सफाई नहीं है कैश ट्रांसफ़र रोल एक अच्छा प्ले करता है काफ़ी रीजन्स में बट जहाँ पर भी परचेजिंग पावर कम है बट उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है और ये जो स्कीम्स हैं इनके बारे में लोगों को अवेयर करना और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सब का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन इसकी प्रॉपरली होनी चाहिए कोई देश बड़ा नहीं हो सकता अगर उसके लोग गरीबी में हैं और भूखे रह रहे हैं अगर देश को डेवलप होना है तो हर एक इंसान को डेवलप आपको करना है आ, एजुकेशन में न्यूट्रिशन में हेल्थ में हर सेक्टर में तो नीड ऑफ द आर की चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट रखे अपनी मशीनरी में जो भी फंड्स फंड्स आ रहे हैं पे एलोकेट किए जाएं और मंथ लॉन्ग जो पोषण उत्सव है मे बी अ गुड ऑप्टिक्स बट ये नहीं है है कि हर दिन हमको काम करना है। ऐसा नहीं है किसी एक महीने हम उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बाकी के ग्यारह महीने उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो हर दिन हमको न्यूट्रिशन पे वर्क करना है तो दिस इज इट अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर कोई सवाल आता है आपको इस तरीके से एनालाइज करना है यू कैन लर्न कि एक्चुअली आपको आंसर राइटिंग में क्या दिखाना है एग्जामिनर को बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सिर्फ छह महीने बचे हैं प्रलिम्स में अब तो आपको स्पीड जो है रफ्तार अपनी बढ़ानी पड़ेगी विद द रफ्तार एंड एक्सेलरेट बैचेस रफ्तार बैच बायलिंग लैंग्वेज में है एक्सेलरेट बैच में मैं आपको पढ़ा रही हूँ दिस इज़ इन इंग्लिश फर्स्ट दिसंबर से शुरू हो रहा है आप ये बैचेज में एनरोल कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड वीरो पी आपको उसके बाद में डिस्काउंट मिलेगा एंड नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर ड्रीम ई पे भी कोर्सेज आप ले सकते हैं और डू पार्टिसिपेट नवंबर ट्वेंटी सेवेंथ इलेवन ए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए आई होप दिस इज़ डन बट वॉट इज द थिंक हियर कि जो भी कॉम्बैट जब भी होता है डेट्स में या जैसे पुराना स्लाइड आ गया तो नेक्स्ट आपको बताया ऑलमोस्ट हर संडे को इस तरह के टेस्ट होते हैं तो उनको ज़रूर दीजिए इंटरव्यू में फ्री गाइडेंस प्रोग्राम एनरोल कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट कीजिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा विद इंटरेस्टिंग गेम लाइक पैटर्न्स एंड डू चेक आउट दिस दिस सेक्शन डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऐप वेबसाइट दोनों में आप इसको ट्राई कर सकते हैं थैंक यू सो मच